एग करी बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन को चूल्हे पर रखें और उसमें लगभग 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें। अब इसमें कुछ मसाले डालें, तो ये काली मिर्च, दालचीनी और नटमेग है, हरी मिर्च डालें, कुछ लहसुन की कलियां डालें, अदरक और एक मीडियम साइज प्याज डालें, साथ ही मोटे टुकड़े में कटा हुआ एक टमाटर डालें और 10 अदद काजू डालें। अब इन सब चीज़ों को लगभग 2 मिनट तक तेज फ्लेम पर पकाएं। दो मिनट में लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसे किसी प्लेट पर निकाल लें और ठंडा होने दें। पाउडर मसाले डालें, इसमें 3/4 टीस्पून धनिया पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम हल्दी पाउडर डालें, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालें, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालें। ये ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसे छोड़ दें। अब इन सारे मसालों का पेस्ट बना लें। अब एक करी के लिए हमारा बेस मसाला तैयार हो चुका है। इसमें जायके के हिसाब से नमक डाल दें। अब हम आगे अपने रेसिपी को तैयार करेंगे। अब जिस पैन में हमने खड़े वेजिटेबल्स और मसालों को तला था, उसी में 2 टेबलस्पून तेल और डालें। अब तैयार मसालों को इस पर डालें, फ्लेम को धीमा रखें और धीमी आंच पर मसालों को भून लें। लगभग 4-5 मिनट तक मसालों की भुनाई करें। एक दूसरे नॉनस्टिक पैन पर थोड़ा सा तेल डालें और ये तेल हमें अपने बॉयल्ड एग को ब्राउन करने के लिए डालना है। अब पहले से किए गए हार्ड बॉयल्ड एग को मैंने हल्का हल्का स्लिट लगा दिया है। ये बस सावधानी के लिए है कि कहीं तलते हुए ये चटक न जाए। अब इन अंडों को नॉनस्टिक पैन में डालें और इन्हें तलें। इस वक्त पैन का फ्लेम धीमा रखें। यहाँ पर हमें अंडों को तलना नहीं है, बस उस पर मार्क्स लाने हैं, यानी हल्के हल्के ब्राउन पैचेस उस पर जब आ जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। देखिए, थोड़ा और डीप कलर हो जाने दें। इधर 3 मिनट से धीमी आंच पर मसाला भुना जा रहा है। कुछ लम्हा इसे और दे दें और फिर हम अपने हिसाब से इसमें पानी डालेंगे ताकि एक करी तैयार हो सके। बस हमें अंडों पर इतना ही कलर चाहिए। मसाला भून चुका है, इसमें अपनी पसंद के हिसाब से पानी मिलाएं और करी एडजस्ट करें।
मैंने इसमें लगभग 3/4 कप पानी डाला है। फ्लेम को मीडियम कर दें और करी में उबाल आने दें। यूं तो एक करी बनाने के बहुत से तरीके हैं, मगर ये सबसे आसान और सबसे मज़ेदार तरीका है। इस आसान से तरीके से एक करी आप ज़रूर बना के देखें। यहाँ पर आप नमक को टेस्ट कर लें। देखिए इसके किनारे पर तेल इकट्ठा हो रहा है, यानी अब करी हमारा रेडी है। इसे मैंने अभी तक मीडियम फ्लेम पर ही रखा हुआ है। अब इसे सर्व करें। तैयार अंडों को सर्विंग बाउल में डालें। अब इस करी को अंडों के साथ मिला लें। करी इसमें डालें और देखिए आपकी कितनी वेलवेटी और क्रीमी एक करी रेडी है। इसे कोरिएंडर लीफ से सजा लें। एक करी रेडी है। तो अगर आपने इस तरीके से एक करी बनाने को एंजॉय किया और आपको ये तरीका आसान लगा हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अपने जानने वालों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस डिश को एंजॉय करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो फिर मिलते हैं किसी अगले रेसिपी पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।